गार्लिक ब्रेड्स बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, लहसुन जो मैंने काट के इसको कूट लिया है, आप मिक्सी में भी कर सकते हैं ग्राइंड, चिली फ्लेक्स और मक्खन जिसे मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अब हम इसमें मक्खन में ये जो हमने लहसुन कूटा था ये डालेंगे। इसमें हम सारा गार्लिक ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, या आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसे ब्रेड में लगाएंगे। इस तरह से आप पूरा ब्रेड में कवर कर लीजिए। यहां मैंने तवा चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दी है। अब आपको इस तरीके से रख देना है, फ्लेम आप लो ही रखिएगा। अच्छे से लगा दो पूरा साइड। ठीक है, रुको। अब हम इसे पलट लेंगे। अब इसे थोड़ा सा और हम सेकेंगे और ये हमारी बिल्कुल तैयार है। दूसरी साइड से भी हमारी थोड़ी सी सिक गई है, ज्यादा करारी आपको नहीं करनी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड बिल्कुल बनके तैयार है। इसे मैंने बीच से काट लिया है, तो अब आप इसे चाय के साथ खाइए या कोल्ड ड्रिंक के साथ खाइए। ये आपको कैसी लगी बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा इंडियन पुट्स इसमें डालने हैं तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा धनिया लगा दिया है। तो ये हमारा इंडियन तड़के वाली गार्लिक ब्रेड तैयार है। आप चाहें तो अगर इसमें धनिया लगाएं तो लुक वाइज अच्छी लगती है देखने में। आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।